हमारे तिवारी जी आए, तिवारी जी ने कहा हम तो 5 गुना सुविधा दे देंगे। मैंने तिवारी जी से पूछा, तिवारी जी 5 गुना सुविधा देने का तो मतलब हो गया 1000 यूनिट बिजली फ्री मिल जाएगी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? 5 गुना सुविधा देने का मतलब हुआ केजरीवाल जी 20,000 लीटर पानी फ्री देते हैं, आप 1,00,000 लीटर पानी फ्री दे देंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब तो यही हुआ ना। अरे आप बाकी बात छोड़िए, बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में हरियाणा है, दोनों जगह भाजपा की सरकार है। अरे कम से कम 10 गुना कम 100 यूनिट फ्री करके दिखा दो, हम तुम्हारी बात पर यकीन कर, गलत तो नहीं कह रहा हूं? 1,000 लीटर ही पानी फ्री करके दिखा दो, तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे। लेकिन खाली झूठ बोलना है, दिल्ली की जनता को भरमाना है, दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाना है। केंद्र में एक सरकार है, उसका जवाब आपसे देते बनता नहीं। आपने कहा था 15 लाख हर खाते में आ जाएगा, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर खाते में कितना जमा हो जाएगा, कितना जमा हो जाएगा सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गया, नहीं आया। जो हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से छिपा के कष्ट के लिए, मुसीबत के लिए, तकलीफ के लिए 1,500 की नोट जो रखती थी संदूक में, तो मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों आपने संदूक में जो 1,000 और 500 की नोट रखी है वो काला धन है, उसको लाइन में लग के जमा कर दो। वो भी पैसा आपका जमा करा दिया, वो भी पैसा जमा करा दिया। नौजवानों का कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार देना तो दूर की बात है, 45 वर्षों में रोजगार सबसे कम अगर हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान कम हुआ। 200 रुपए किलो का प्याज बिका, 120 रुपए किलो की टमाटर बिकी, 4 रुपए लीटर दूध महंगा हो गया, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, महंगाई चरम पर, जीएसटी 4.5% पहुंच गई, 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों में आम आदमी का जो पैसा जमा था उसको निकालकर तुमने पूंजीपतियों को बांट दिया, वो पैसा वापस आने वाला नहीं। आरबीआई बैंक का पैसा निकालकर तुम बैंक का घाटा पूरा कर रहे हो, बैंकों के बड़े बड़े घोटाले हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं, आर्थिक मंदी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बढ़ गई, लोग तबाही की कगार पर पहुंच गए। ऐसे में अगर एक मुख्यमंत्री जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, वो शिक्षा फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री अगर देना चाहता है, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करना चाहता है, तो बताओ कोई गुनाह कर रहा है क्या? कोई गुनाह कर रहा है क्या? हमको सबको मिलकर केजरीवाल जी का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं ईमानदारी से, आज एक सरकार जो दिल्ली के अंदर चल रही है वो आपके लिए काम कर रही है। हमने काम किया, माताओं बहनों की बस की यात्रा पर 140 करोड़ का बजट आया साल का। कितने का बजट आया, कितने का आया? हमसे कह रहे हैं ये बस की यात्रा फ्री बंद कर दो। और गुजरात के भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं रूपानी जी, उनका एक जहाज कितने में आया, कितने में आया? 190 करोड़, 40 करोड़ इन्होंने भी कम कर दिया। सोचे कितना बोले बेचारा। नितिन त्यागी भी सोच रहे हैं यार इससे ज्यादा तो बोल नहीं सकते। 190 करोड़ में रूपानी का जहाज आता है, और दूसरी तरफ केजरीवाल दिल्ली की लाखों माताओं बहनों को 140 करोड़ में बस की यात्रा फ्री देते हैं। यह है हमारे सरकार चलाने का मॉडल, यह हमारे सरकार चलाने का मॉडल। योगी के राज में 200 यूनिट का 1400 रुपए देना पड़ता है, केजरीवाल जी के राज में 200 यूनिट का 0 बिजली का बिल आता है, तो लोग यहां पर नारा लगाते हैं बिजली का बिल हो गया 0 और केजरीवाल हमारा 0, केजरीवाल हमारा 0, केजरीवाल हमारा 0। इसलिए साथियों और दोस्तों, अभी चुनाव आएगा तो कोई धर्म का डमरू बजाएगा, कोई जाति का डमरू बजाएगा, कोई आपको भड़काने का काम करेगा, कोई इधर की बात कोई उधर की बात। हमसे कोई पूछ रहे थे, बोले पूर्वांचल के लिए क्या किया केजरीवाल जी ने, मैं कहना चाहता हूं आज 13-13 विधायक
दिल्ली की सरकार में पूर्वांचल से है, आज दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल से है, सरकार में मंत्री पूर्वांचल से है। दिल्ली में जब हम लोग सरकार में आए तो उस समय छठी मैया का मात्र 72 घाट होता था, केजरीवाल सरकार ने 5 वर्षों में 1173 छठी मैया के घाट बनाने का काम किया। अब हमको त्योहार मनाने के लिए अपने घर नहीं जाना पड़ता, यही हम भव्य तरीके से आयोजन करके, और उस आयोजन पर भी जो खर्च आता है केजरीवाल जी की सरकार देती है। अभी यही हुआ था एक घटना, आपको याद होगा, हमारे यहाँ बहुत सारे साथी बैठे हैं, वो लोग भी साथ में गए थे। ग्रेटर कैलाश में भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद ने छठी मैया का घाट तोड़ने का काम किया था। हम सारे लोग, सारे विधायक वहां पर धरने पर बैठे थे, हमारे कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे और वहां घाट बनवाकर वापस आए थे। ये भाजपा पूर्वांचल विरोधी है। महाराष्ट्र में जब भाजपा की सरकार थी, पूर्वांचल के लोगों को मारा पीटा भगाया गया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्वांचल के लोगों को मारा पीटा भगाया गया। आसाम में भारतीय जनता पार्टी के राज में पूर्वांचल के लोगों को मारा पीटा भगाया गया। हमसे पूछते हो, अरे हमने तो 8,135 करोड़ रुपए का विकास का कार्य पूर्वांचल की कॉलोनियों में, अनथाइज कॉलोनियों के अंदर करा के दिखाया। जाकर देखो, हमसे हिसाब चाहते हो तो जाकर देखो। नालियां बनवाई, सड़कें बनवाई, सीवर बनवाया, पानी की व्यवस्था की, पार्क की व्यवस्था की। आज अनथाइज कॉलोनी का कायाकल्प करने, बदलने का काम हमने किया है। आज उसको सुधारने का, अच्छा करने का काम हमने किया। 8,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हमने खर्चा किया उसके ऊपर। और भाजपा ही क्या कर रहे हैं, कह रहे थे 40 लाख अनाधिकृत कॉलोनी वालों को हम क्या कर देंगे, पक्का कर देंगे। क्या कर देंगे, पक्का कर देंगे। क्या कर देंगे, रैली भी बुला लिया। बोले धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को देना है। पूरे दिल्ली में बोर्ड भी लगा दिया धन्यवाद का। मालिकाना हक मिला नहीं, जमीन नियमित हुई नहीं, पक्की रजिस्ट्री मिली नहीं, धन्यवाद का पोस्टर भी लगा दिया। बोले धोखा दे रहे हैं आप लोगों को, इसलिए धन्यवाद। एकमात्र पार्टी है हिंदुस्तान की जो धोखा देने पर भी धन्यवाद का पोस्टर लगा देते हैं। तो अरे भाजपाइयों, दिल्ली के अनथराइज कॉलोनी के 40 लाख लोगों को धोखा दे दिया, करे धन्यवाद, धोखा दे दिया, आप लोगों को मूर्ख बना दिया। सब लोग गए रामलीला के मैदान में इस उम्मीद से गए कि अनथराइज कॉलोनी वालों को रजिस्ट्री देंगे। प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से गए थे कि नहीं इस बात के लिए, लोग गए थे कि नहीं गए थे, यही सोच के गए थे ना कि अनथराइज कॉलोनी वालों को रजिस्ट्री मिलेगी। रजिस्ट्री तो नहीं मिली, 1 घंटे 40 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री जी ने पिलाकर वापस भेज दिया, बोले घर जाओ वापस। कोई नहीं मिली अनथराइज कॉलोनी वालों को मालिकाना हक, रजिस्ट्री नहीं मिली। जब हम लोगों ने दबाव बनाया तो 20 लोगों को रजिस्ट्री देने की नौटंकी की और उसमें भी हम लोगों ने उनको पकड़ लिया, कृषि की जमीन पे मकान की रजिस्ट्री दे। बताओ भैया, भाजपाइयों से सावधान, भाजपाइयों से। हमारे यहां बरेली में ममीरे का सुरमा मिलता है, उसमें क्या लिखा रहता है, नक्कालों से। तो भाजपाइयों से कृषि की जमीन पर मकान की रजिस्ट्री दे दी। अरे भैया, लैंड यूज चेंज करना पड़ता है मकान बनाने के लिए, नहीं तो एमसीडी वाला कभी भी पहुंच के सील कर देगा, उनका मकान गिरा देगा। तुम्हारा चुनाव तो बीत जाएगा लेकिन गरीब आदमी का घर टूट जाएगा। इसलिए ये 20 लोगों की जो नौटंकी की रजिस्ट्री देने की, वो भी धोखा देने का काम किया। उसके बाद क्या कहते हैं, कहते हैं एक वेबसाइट खोल दिया, उस पर अपना नाम लिखवा दीजिए। कहा कि नहीं कहा, बोले वेबसाइट पे नाम लिखवा दीजिए, आपका मकान पक्का हो जाएगा। मैंने मनोज तिवारी जी से कहा, अगर आपका नाम वेबसाइट पे लिखने से मकान पक्का हो जाए तो नितिन त्यागी ने भी एक वेबसाइट खोल लिया है, प्रधानमंत्री के नाम पे लाल किला लिख देंगे और मनोज तिवारी के नाम पे राष्ट्रपति भवन लिख देंगे, हरदीप पुरी के नाम पे संसद भवन लिख देंगे और हमारे जो बाकी नेता हैं विजय गोयल जी, उनके नाम पे हम ताजमहल लिख देंगे। पक्का हो जाएगा, वेबसाइट पे लिखने से पक्का हो जाएगा क्या?
तो इसलिए अनऑथराइज कॉलोनी के नाम पे भी आपको धोखा दिया है, इनसे सावधान रहना। एकमात्र पार्टी है, एकमात्र नेता है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसने हमेशा आपके लिए संघर्ष करके, आपके लिए लड़के, जरूरत पड़ी तो 9 दिन तक एलजी के यहां आंदोलन करके आपका हक आपके लिए लिया है, आपकी सेवा 5 सालों तक ईमानदारी से की है। और उसका नतीजा क्या है कि जब हम सरकार में आए, इतना सारा काम करने के बावजूद उस वक्त 32,000 करोड़ का बजट था, इतना काम करने के बावजूद, इतनी फ्री सेवा देने के बावजूद आज की तारीख में आपका बजट कितना है? 60,000 करोड़ रुपए। मुनाफे की सरकार है आपकी। इसका मतलब पहले के नेता, पहले की पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार करते थे, आपको आपका पैसा नहीं देते थे। केजरीवाल जी ने ईमानदारी से सरकार चलाई, भ्रष्टाचार पे रोक लगाया और वो जो पैसा बचा वो आपके बच्चे की शिक्षा के लिए खर्च किया, पानी के लिए खर्च किया, बिजली के लिए खर्च किया, माताओं बहनों की बस की यात्रा के लिए खर्च किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए खर्च किया। और मैं आया था इसी लक्ष्मीनगर में जनसंवाद करने। मुझे याद है सूरज नाम के उस नौजवान की बात, जिसने बताया कि 3 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके इलाज में 36 लाख रुपए खर्च हुआ, 36 लाख, और वो पूरा का पूरा पैसा केजरीवाल सरकार ने फरिश्ते योजना में दिया। बता हिंदुस्तान की कौन सी सरकार है जो बच्चा पैदा होने से लेकर बुजुर्ग होने तक, माताओं बहनों से लेकर नौजवानों तक सबका ख्याल रखती है? मजदूर हो, किसान हो, ऑटो वाला हो, रिक्शे वाला हो, झुग्गी वाला हो, अनऑथराइज कॉलोनी का हो, सबके लिए काम करने वाली सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार है, क्योंकि ईमानदारी की सरकार है। और अरविंद केजरीवाल आपको जनता मान के नहीं, दिल्ली के लोगों को अपना परिवार मान के आपके साथ मिलकर काम करते हैं। और यही कारण है कि 2013 का भी चुनाव हम लोग लड़े, 15 का भी चुनाव लड़े, दोनों चुनाव में हमेशा भाजपा और कांग्रेस वाले कहते थे इनकी जमानत नहीं बचेगी, ये पार्टी तो खत्म हो गई, इनकी तो सीटें नहीं आएंगी। लेकिन इस बार तो चुनाव शुरू होने से पहले एक ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज ने दे दिया कि 58-59 सीट तो आ जा रही है, लेकिन चुनाव होगा तो हो सकता है करिश्मा हो जाए, पूरा का पूरा सफाया हो जाए और 70 की 70 सीटें आपकी आ जाए। 70 की 70 सीटें आप लाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि आपकी ताकत की बदौलत, ये किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी है, आम इंसान की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, माताओं बहनों की पार्टी है, बुजुर्गों की पार्टी है। आपने इस पार्टी को बनाया, आपने इस पार्टी को चंदा दिया, आपने हमारा झंडा उठाया, आपने हमारा प्रचार किया, आपने 28 सीटें दी और आपने ही 67 सीटें आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के झोली में डालने का काम किया। इसलिए अपने आप को कमजोर मत समझना। ये भाजपा कांग्रेस के लोग, ये झूठा प्रचार करने वाले लोग, ये अफवाह फैलाने वाले लोग, इनसे सावधान रहना। और 8 तारीख को सुबह से लाइन में लगकर इतनी बटन दबा देना झाड़ू के निशान पर कि बाकी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाए और भाई नितिन त्यागी जी यहां से बड़े अंतर से जीत कर फिर से एक बार पहुंचे। इनकी काउंटिंग में पिछली बार थोड़ा टाइम लग गया था, लग गया था कि नहीं लग गया था? फिर कितने से जीते थे? 5,000 से। ये आपकी मंजूर है क्या? आपको मंजूर है? मंजूर है क्या? अब की पूरा 1 लाख पूरा कर देना वोट, अब की पूरा झूम के वोट डालना इस बार नितिन त्यागी को, झाड़ू पर बटन दबा देना। तैयार हो कि नहीं तैयार हो? तैयार हो? आप सब लोग तैयार हैं? और इसलिए 11 तारीख को अब की जब बक्सा खुले तो 12 बजे तक सारे लोग वहां से चले जाएं, ऐसी व्यवस्था कर देना।
कांग्रेस और भाजपा ही काउंटिंग एरिया छोड़ के चले जाए, सफाया हो जाए वहां से। ये काम आपको करना है, करेंगे कि नहीं करेंगे? तैयार हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक अंत में बात कह के, कुछ भाजपाई आपके बीच में अफवाह फैलाते होंगे, झूठ कर फैलाते होंगे, दो मिनट और बैठ, क्या कहते हैं 31 मार्च तक ही खाली 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पानी फ्री मिलेगा सिर्फ 31 मार्च तक, माताओं बहनों को फ्री बस की यात्रा मिलेगी सिर्फ 31 मार्च तक, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये बहुत बड़े अफवाह कंपनी वाले लोग हैं, इनसे होशियार रहना। इतना झूठ बोल के भाजपा ही सो कैसे पाते हैं, मैं तो यही हैरान हूं। सारे के सारे नेता दिन रात इनके झूठ बोलते रहते हैं। ये आम आदमी पार्टी झूठ बोलने वालों की पार्टी नहीं है, हम जो कहते हैं उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। हमने 70 पॉइंट अपना घोषणा पत्र में रखा था, वादे से ज्यादा काम जमीन पे करके दिखाया। और आज आपके बीच में कह के जा रहे हैं, केजरीवाल जी ने गारंटी कार्ड इशू किया है आप लोगों के नाम पर, और उस गारंटी कार्ड में लिखा है 200 यूनिट बिजली फ्री अगले 5 साल तक जारी रहेगी। 200 यूनिट बिजली फ्री अगले 5 साल तक जारी रहेगी। उस गारंटी कार्ड में लिखा है पानी 30,000 लीटर हर महीने का फ्री अगले 5 साल जारी रहेगा। उस गारंटी कार्ड में लिखा है माताओं बहनों की फ्री बस यात्रा अगले 5 साल तक जारी रहेगी। आपको जितनी सुविधाएं मिल रही